हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज फिर से हम बैंक निफ्टी को एनालिसिस करने वाले हैं कल के लिए। अब कल जिस प्रकार से बताया था कि क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में, सेम वही हुआ। हमने यही सोचा था कि बैंक निफ्टी बड़े से गैप अप ओपनिंग के साथ दोस्तों यहाँ पर अपना मोमेंटम चालू करेगी, लेकिन हमने ये भी सोचा था कि रिकवरी भी आएगी, उसके बाद गिरावट आएगी तो हम पोजीशन बना के काम करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। काफ़ी बड़ा सा दोस्तों गैप डाउन ओपनिंग हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, पूरी तरीके से बैंक निफ्टी क्या हो गया था, फ्लैट हो गया था। मतलब दोस्तों, जो हम देख सकते हैं कि ये वाली रेंज 300 की, 400 की रेंज, ठीक है, यहीं पर दोस्तों बैंक निफ्टी पूरे दिन भर घूमते रहा, ठीक है। कुछ लास्ट के समय में यहाँ पर बैंक निफ्टी ने नीचे आने की कोशिश करी, वॉल्यूम भी हमें नेगेटिव देखने को मिला, लेकिन हमारे वो कोई काम का नहीं रहा। मतलब दोस्तों, ट्रेडिंग जिसने करी होगी, खैर हमने भी करी थी थोड़ी सी बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग, लेकिन हमने भी 50 पॉइंट का SL दे दिया, ठीक है। हमारे टेलीग्राम में भी मेंबर को प्रोवाइड किया गया था, लेकिन उसमें भी जो लेवल है दोस्तों वो काफ़ी तरीके से ट्रेप होने के कारण दोस्तों SL हिट हो गया, ठीक है। और उसके बाद भी देखा गया तो पोजीशन फिर बैंक निफ्टी में नहीं मिली। अब थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 15 मिनट के कैंडल चार्ट पे, ठीक है। तो 15 मिनट के कैंडल चार्ट पे यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें हमें देखने को मिल रही, कुछ चीज़ें मतलब कुछ लेवल्स, ठीक है। तो वो कुछ लेवल्स दोस्तों हैं 32,200 के, ठीक है, यहाँ पर ये वाले एरिया के, ठीक है, ये वाले एरिया के लेवल से अगर मान लीजिए कल 32,200 का लेवल ब्रेक होता है तो हम पोजीशन को आराम से शॉर्ट करके चल सकते हैं, या आप एक रेंज बना लीजिए। देखिए, ट्रेडिंग रेंज 200 पॉइंट के अंदर अंदर तो होगी नहीं, कल एक्सपायरी भी, वोलेटाइल भी, मार्केट काफ़ी ज़्यादा रहेगा। मान लीजिए दोस्तों, बैंक निफ्टी कल 100-150 पॉइंट फिर से हमें गैप डाउन ओपनिंग दिखाता है, अभी कहाँ पर क्लोज हुआ है, 33,240 रुपये के आसपास पे। अगर मान लीजिए कल बैंक निफ्टी दोस्तों 33,050 रुपये के लेवल पे या इससे कहीं भी ऊपर अगर ओपन होता है, ठीक है, तो यही कंडीशन रहेगी कि दोस्तों जब तक 33,000 का लेवल ब्रेक नहीं हो, ठीक है, नीचे के साइड में हमें पोजीशन नहीं बनाना है, ठीक है। अगर मान लीजिए बड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग हुआ, 33,000 का लेवल ही वो मतलब ओपन होकर अगर रह गया, ठीक है, पोजीशन के साथ ही, मतलब गैप डाउन के साथ ही, तो वो रिवर्सल अगर देता है तो ठीक है, ठीक है, ऊपर जाता है, यहाँ से ऊपर जाता है और फिर नीचे आने की कोशिश करता है, तो फिर यहाँ पर जब 33,000 का लेवल ब्रेक होगा तो दोस्तों आप ट्रेडिंग कर सकते हो, जो हम स्ट्राइक प्राइस बताएंगे उसमें, ठीक है। और कॉल राइडर के लिए तो मेरे को लगता नहीं है कि अभी यहाँ पर जगह होगी, क्योंकि कॉल राइडर काफ़ी ख़तरनाक तरीके से फंसे हुए हैं। कॉल राइडर के लिए एक ही चीज़ है कि वही 33,500 का लेवल या 33,800 का लेवल ऊपर की साइड में, ठीक है। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा दोस्तों, जब तक ट्रेडिंग करने में मज़ा नहीं आएगी, क्योंकि फिर बैंक निफ्टी वो यहीं पर घूमते रहेगा। समझ में नहीं आ रहा है लास्ट दो दिन में बैंक निफ्टी में क्या परफॉर्मेंस हो रहा है, ठीक है। देखिए, कल भी वो दिन भर यहाँ पर पूरा घूमता घूमता ख़त्म कर दिया, मतलब 200-250 पॉइंट में, ठीक है, और आज भी वो यहाँ पर लगभग 100-150 पॉइंट में, क्योंकि काफ़ी बड़ा बड़ा गैप डाउन ओपनिंग ले रहा है, बड़ा बड़ा, ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी का जो परफॉर्मेंस है वो वहीं पर डाउन हो रहा है। अब सेलर तो काफ़ी ज़्यादा है बैंक निफ्टी में, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, अब देख लेते हैं कि कौन से कॉल पे हम कल काम कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपायरी भी है, और कौन से पुट पे हम काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए चलते हैं सीधा हम NSE की साइट पे। जो एनालिसिस है वो तो मैंने आपको समझा दिया है किस प्रकार से है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की जो एनालिसिस है उसके लिए हम NSE की साइट पर आ चुके हैं। सबसे पहले हम कॉल पर देखेंगे, ठीक है, वॉल्यूम किस प्रकार से हमें देखने को मिल रहा है, कौन से स्ट्राइक प्राइस पे। तो कॉल राइडर ये सोचेगा कि बैंक निफ्टी 33,250 पे क्लोज हुआ है तो वो 33,500 आए या 34,000 आए, ठीक है। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले 33,000 का लेवल, 33,000 का लेवल क्या बोल रहा है, क्योंकि दोस्तों एक्सपायरी भी है, प्रीमियम भी काफ़ी भारी मात्रा में डिके होगा, ठीक है। तो जो स्ट्राइक प्राइस है ना दोस्तों, वो हमें ऊपर के ही काफ़ी अच्छी तरीके से मिलेंगे, नीचे के तो पूरी तरीके से सस्ते मिलेंगे। जैसे कि देखिए 33,500 के आसपास का ये स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेडिंग करने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। वॉल्यूम अच्छा अच्छा है लेकिन कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो बैंक निफ्टी अगर ऊपर चढ़ता है 33,500 की तरफ, 33,400 की तरफ, ठीक है, तो हमारे लिए दोस्तों
ये स्ट्राइक प्राइस काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, जैसे कि 3300 का हो गया, 3300 का हो गया, 3300 का हो गया, ठीक है। इनमें वॉल्यूम भी अभी काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हो करीबन 3300 के लेवल पे 18 लाख का वॉल्यूम है और करीबन 3300 के लेवल पे 24.5 लाख के आसपास का वॉल्यूम है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रह सकता है और यही स्ट्राइक प्राइस हमें आगे भी काफ़ी अच्छे काम दिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्ट्राइक प्राइस दोस्तों जो है वो हमें आगे थोड़े से और महंगे होते देखने को मिलेंगे, जैसे कि 3500 का लेवल ब्रेक होगा तभी हम ऊपर की साइड में पोजिशन बनाएंगे, तो ये स्ट्राइक प्राइस जो है वो थोड़े से और महंगे हो जाएंगे, तो हमें ट्रेडिंग करने में भी काफ़ी मज़ा आएगा। क्यों नहीं, तो छोटे ट्रेडिंग में क्या होता है कि इसमें पोजीशन तो हमने बना ली, थोड़ा सा बैंक निफ्टी कंसोलिडेट क्या कर लिया 15 मिनट 20 मिनट या आधे घंटे, ये प्रीमियम पूरी तरीके से डीके हो जाते हैं, ठीक है। जब मार्केट रिकवर भी करता है तो इनमें दम ही नहीं बचता है, क्यों? क्योंकि ये जो वॉल्यूम है ये पूरी तरीके से उठ के दूसरे स्ट्राइक प्राइस पे कन्वर्ट हो जाता है, तो ये जो वॉल्यूम रहेगा दोस्तों बैंक निफ्टी थोड़ा सा भी मोमेंटम अगर इस प्रकार से दिखाता है अपने ऊपर की साइड में, ठीक है, सस्टेनेबल वाला, तो पूरा ये जो सिस्टम रहेगा दोस्तों, मतलब जितना भी वॉल्यूम रहेगा वो यहीं पर पूरा ट्रांसफर हो जाएगा, तब ये दोस्तों स्ट्राइक प्राइस में फिर भी हमें दम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो मैंने स्ट्राइक प्राइस बताए हैं 2-3, उसमें आप बढ़िया से काम करिएगा, जो कि हमारे 3300 का है, कब? जब 3500 का लेवल ब्रेक होगा तब, ठीक है। अब पुट राइडर के लिए देखिए, पुट राइडर तो अभी खास है क्योंकि बैंक निफ्टी नीचे ही नीचे जाते जा रहा है, तो 33,000 का लेवल देखेंगे तो उसमें 33,000 का लेवल का जो स्ट्राइक प्राइस है वो बहुत छोटा है, वॉल्यूम बहुत अच्छा है, तो हम इस पर भी वही कि दोस्तों अब मान लीजिए कि 33,000 का लेवल ब्रेक होगा ना, ठीक है, तो 33,000 का अभी 200 पे क्लोज हुआ है, 200 पॉइंट नीचे गिरेगा तो ये जो स्ट्राइक प्राइस है जैसे कि आप देख सकते हैं 33,300 का, ठीक है, जिसमें वॉल्यूम भी बहुत ज़ोरदार है 26 लाख का, ठीक है, और उसके साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम देखें 33,200 का, ठीक है, लगभग यहाँ पर भी 26.5 लाख का वॉल्यूम है और स्ट्राइक प्राइस भी बहुत अच्छे हैं। जब ये वाला लेवल ब्रेक होगा ना तो इनका जो स्ट्राइक प्राइस का जो कंडीशन है वो अभी जो प्राइस है वो हमें और इंक्रीज होते देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जितने भी यहाँ के जो वॉल्यूम होंगे वो यहाँ पर भी कन्वर्ट होंगे क्योंकि ये सब स्ट्राइक प्राइस दोस्तों महंगे होंगे, जैसे 33,000 का लेवल ब्रेक होता है, ठीक है, तो ये सब जितने भी स्ट्राइक ये सब वॉल्यूम रहेंगे यहाँ पर कन्वर्ट होंगे ना, तो आराम से 33,200 के लेवल को ऊपर लेके जाने की कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है। तो इसी अकॉर्डिंग दोस्तों आप पोजीशन अपना बना सकते हैं, जैसा मैंने आप लोगों को बता दिया है कि 33,000 का लेवल ब्रेक होगा नीचे तभी हमें पोजीशन बनाना है। हाउ में दोस्तों अगर हम देखें किसी भी कंडीशन में वो लेवल ब्रेक होता है, ठीक है, तो हमें वो पोजीशन बनानी है और बाकी फिर कंसोलिडेट करते रहा तो बैंक निफ्टी से दूर ही रहें तो अच्छा है, किसी स्टॉक में ऑप्शन में काम कर लिए तो वो हमारे लिए सही रहेगा, ठीक है। तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस, आप भी थोड़ा सा अपना एनालिसिस कर सकते हो, आपका एनालिसिस क्या बोल रहा है, ठीक है, क्योंकि वीकली एक्सपायरी भी और मंथली एक्सपायरी भी है तो काफ़ी बड़ा माहौल रहने वाला है कल मार्केट में। और आपको अगर कुछ भी और दिक्कत आती है तो दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी डेली बेसिस पे बेहतरीन दोस्तों इंट्राडे की टिप्स प्रोवाइड की जाती है बैंक निफ्टी निफ्टी या स्टॉक ऑप्शन में, ठीक है, तो आपको वहाँ पर भी आराम से अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है, ठीक है। तो ये था आप लोगों के लिए बेहतरीन अपडेट, तो बेहतरीन अपडेट को क्लोज़ करता हूँ मैं और इस वीडियो को लाइक करने का बोलता हूँ, ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि डेली बेसिस पे इसी प्रकार का बेहतरीन अपडेट हम आप लोगों तक लाते रहते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।